अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नईम बिन मोहम्मद रफ़ी। नाज़रीन, ये है आपकी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आज आपसे अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में जो इस वक्त तब्दीली आ रही है उसके मुतल्लिक आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ। ये एक छोटा सा वी लॉग नरेंद्र मोदी, उसकी सोच, उसका इस जगह पहुंचना, और ये दो मरतबा यानी 2014 से मतवातर एक पूरे मुल्क से जीत के एक इतनी बड़ी आबादी का 1.5 बिलियन जो लोग वहां रहते हैं उनका वो वज़ीर आज़म होना ये कोई छोटी बात नहीं। इसे एक बात तो साबित है कि एक इस वक्त जो दौर है उसमें पढ़े लिखे लोगों का, शरीफ लोगों का, वो लोग जो एथिक्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, किसी कानून पे या किसी के साथ मिलकर रहने पे, जिसे प्लूरलिज्म कहते हैं, उस पे जो यकीन नहीं रखते, ये दौर उनका है। ये दौर इस वक्त चोरों का है, बदमाशों का है, करप्ट्स का है, क्रुक्स का है, माफिया का है, बुचर्स का है, यानी गैर महज़ब जो वो जिस तरह एक बारबेरिक कौमें होती थी आज से हजारों साल पहले, ये दौर उनका है। वो लोग आप देखेंगे कि कई मुल्कों में वही जीत कर आ रहे हैं। वो हर चीज़ को मारना, खरीदना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और दो तीन अदारे जिनके ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप चाहे सैकड़ों साल उस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें, एक उस मुल्क की जुडिशरी है, दूसरी उसकी एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी है, तीसरा जो भी फ्रॉड, जो भी जो जिस तरह से भी उन्होंने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसको सो कॉल्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मैन मेड एक किताब है कि हम ये आज़ादियाँ देंगे, वो जितने उसमें 90% वो उनके झूठ, और वो इसलिए वो दिखे होते हैं कि सबके इक्वल राइट्स हैं, हर कोई अपना अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकता है, बहन भाइयों की तरह हम रहेंगे, वो सब ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ये सब एक एक धोखा है। खबर आपको दें, 26 जमाती इतिहाद इंडिया का नरेंद्र मोदी को पहला बड़ा झटका। 26 जमाती इतिहाद का मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। ऑपोजिशन दो हफ्ते से मोदी से मणिपुर में खाना जंगी पर लोकसभा में बहस का मुतालबा कर रही थी। मोदी सरकार हीले बहानों से मणिपुर फसादात पर पार्लियामेंट में बहस करने से गुरेजा था। गुजश्ता रोज राजिया सुभा के 50 अरकान की तरफ से मणिपुर खाना जंगी पर करारदाद पेश की गई थी। मोदी सरकार की जानिब से करारदाद पेश करने पर इजलास ही बर्खास्त कर दिया गया था। इजलास की गैर आईनी बर्खास्तगी पर ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर गांधी के मुजस्मे के साथ धरना जारी है। मोदी सरकार ने ऑपोजिशन पर दबाव के लिए आम आदमी पार्टी रहनुमा संजय सिंह की पार्लियामेंट रुकनियत भी मुअत्तल की। मोदी को जाति अना से बालातर होकर मुल्क का सोचना चाहिए, यह ऑपोजिशन रहनुमा मलाइका रजन की जानिब से कहा गया कि तहरीकी अदम एतमाद का सुनकर मोदी बौखलाहट का शिकार हो गया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे दी गई है। गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमा खारजा ने मणिपुर में खवातीन पर इंसानियत सोज वाकयात को तश्वीशनाक भी करार दिया था। जितनी आवाजें आप उनकी लोकसभा में आप उठती देखेंगे, और मैं चंद एक आवाजें आपको इधर बैकग्राउंड में आपको उसकी ऑडियो सुनाऊंगा। ये नहीं कि मुसलमान नहीं बोलते, लेकिन वो तूती की आवाज कोई नहीं सुन रहा। इसलिए नहीं सुन रहा कि 80% आबादी जो है वो हिंदुओं की है और सिर्फ 15% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। ये पार्टीशन के बाद ये स्टेट, पार्टीशन के वक्त अगर वो जो बकौल कुछ जो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं के 9% थी तो इस वक्त 17% है। ये बकवास है, ये झूठ है, ये एग्जेजरेटेड है। जो हिंदू की है पॉपुलेशन वो यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उन लोगों की, और ये माइनॉरिटीज़ को इन्होंने कोने पे लगाया हुआ है। पहले वो ये काम जो था वो उनको एक कॉम्प्लेक्स भी है कि सैकड़ों साल, 800 साल तक मुसलमानों ने इनके ऊपर जो राज किया,
और इन लोगों को जहां इनकी जगह थी इनको वहां रखा। और ये कोई पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, कोई सब करेगा। अच्छा, आज तक में ड्रेस कोड है नहीं है, बताइए आज तक में ड्रेस कोड है मैडम आपके लिए, एंकर्स के लिए है ना? ये फिर आप नहीं, अब इसका नहीं, इसका नहीं है। और यूनिफॉर्म के रंग का अगर हिजाब पहन रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है भैया? दूसरे मजहब के लोग क्रॉस पहनेंगे, मंगलसूत्र लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, मगर आपको हमको हिजाब पहनने इजाजत नहीं है, क्यों? ये हम हमारा सवाल ये है। ये देखिए, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू कॉन्शियस है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें बुरी बात क्या है? फिर जब जब लोग तिलक लगा के आ रहे हैं, उन खंडवा डाल के आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, मत पिनो बोल के उनको। तिलक तो बहुत चुभता है सर आपको? बिल्कुल नहीं चुभता है मैडम, बिल्कुल नहीं चुभता है। मेरे दोस्त है, मेरे घर को आते हैं अपनी वाइफ के साथ, तिलक लगा के आते हैं। ये दूसरी या तीसरी मरतबा हुआ है कि उसके खिलाफ 26 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी होकर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के खिलाफ ला रही है। ये अबाउट टाइम है कि इस आदमी को निकाला जाए, इस बुचर का जो है वो रूल खत्म किया जाए। अगर इंडिया को वापस, अगर आप जैसे इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं, टॉलरेंट इंडिया कहते थे, नॉन अलाइंड इंडिया कहते थे, सेकुलर इंडिया कहते थे, लाना है तो इस आदमी को खत्म करना होगा, इसकी जड़ें उखाड़ कर इसको खुश करना होगा, इसको हमेशा हमेशा के लिए काट के पीसीज में इसको बहा देना पड़ेगा, इसकी आइडियोलॉजी को स्पेशली जिस्मानी तौर पर अगर इसको पैसे छोड़ दें ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखे और रो रो के अपनी मौत मांगे और इसको मौत ना मिले, देखे कि इसने क्या जुल्म किया है, किस तरह से इतने 1.5 बिलियन लोगों को तकसीम करके इसने किस तरीके से मसाजिद को डिमोलिश किया है, इसने किस तरीके से पार्क्स में पानी छोड़ा है, इसने किस तरीके से उनके जो स्पेशल मुस्लिम लॉज खत्म किए थे 6 अगस्त 2019 को, इसने खुद सिंगल हैंडेडली इसने रिवोक कर दिया आर्टिकल 370 के, इसके ये जो चाहता था, जो इसके ऑब्जेक्टिव थे बीजेपी के, कि वो खत्म करना चाहता था कि जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, तो ये उसने 6 अगस्त 2019 को कर दिया। आर्टिकल 370 को इसने कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का, जिसमें लिखा था स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अपना उनका चीफ मिनिस्टर होता था, अपनी उनकी कैबिनेट थी, अपनी उनकी असेंबली थी, उसके स्ट्रोक ऑफ ए पेन पे सिंगल हैंडेडली खत्म करके, और उसी तरह उसने जुडिशरी को अपनी जेब में, इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में, गुंडों को, पुलिस को, हर बदमाश को डाल के उसने लोअर और अपर हाउस से उसको मंजूर करा के उसने उसको दो हिस्सों में तकसीम करके तो यूनियन, टू यूनियन टेरिटरीज बना दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और वो के मोदी से बड़ा हिंदू कौन है, फिर इंडियन नेशनलिज्म कहाँ जाएगा? कोई पॉलिटिक्स में आया है तो चुनाव जीतने के लिए उतरेगा ना मैदान में, तो फिर वो उनको पता है कि तो फिर अच्छा तो आप हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, सबको नोट पे गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो चाहिए, तो ये आप संविधान पे क्यों वोट ले रहे हैं? आप मनुस्मृति पे वोट लीजिए, गोलवालकर की वी द पीपल पे वोट ले लीजिए आप, या किसी और किताब पे ले लीजिए वोट। क्यों भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप? पूछा गया कि आप हिंदुत्व को मानते हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व को मानता हूं। अबे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो भारत के संविधान के खिलाफ है, कैसा उसको आप करेंगे कॉन्ट्रडिक्ट? आप तो मुख्यमंत्री है ना, आप तो नाटक कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ दिखावे के लिए वोट ले रहे हैं आप। पर आप भी तो देश की संसद में अल्लाह का नाम लेते हैं। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, आप करें तो देखिए, देश की संसद में आपको इजाजत है कि मैं खुदा के नाम पर, संविधान पर अटूट भरोसा रख के हल्फ लेता हूं, ओथ लेता हूं। अब मेरी इन दुआओं के साथ कि ये जो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस जो 99% लगता है कि ये कामयाब नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस की बहुत हद गलती है कि इस बेईमान आदमी के साथ, इस बुचर के साथ उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना के इन्होंने अपनी जितनी उनकी अच्छाइयां थी, जितनी उनकी टॉलरेंस थी, जितना उनका था, उन्होंने उसको डाइल्यूट किया और खुद अपने हाथ से वो गवर्नमेंट को जाने दिया एक क्रिमिनल के हाथ। अब उस माफिया के हाथ से इसको छुड़ाना आसान काम नहीं होगा। अब 26 पार्टियां मिली हैं तो कांग्रेस में जब तक के बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप ना हो, और वो उन्हीं टैक्टिक से तलवार को तलवार से काट सकते हैं जो इस वक्त राजीव गांधी कर रहा है, शराफत से आप नहीं कर सकते। और इन्होंने यही नहीं सिर्फ किया, इन्होंने जो संविधान पर आपका अकीदा है, संविधान बिल्कुल संविधान से देश चलेगा ना, संविधान से देश चलेगा, तो संविधान में आर्टिकल 44
के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात नहीं करते? बताइए क्यों नहीं करते आप? संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आज देश की 55% वेल्थ 5% लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल भूल गए आप। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था 1947 के बाद, हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी। आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों अब 23 से 21 साल कर दिए, खुश हो जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं। आप 44 की बात करते हैं तो आगे फिर इन्होंने जो जिस तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए जो इन्होंने किया कि किस तरीके से ये वो चाहते थे कि मुस्लिम के जो राइट्स हैं, कि जो उनके पर्सनल राइट्स हैं जिसमें उनकी इनहेरिटेंस है, उनकी शादी है, उनको किस तरीके से इन्होंने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर इन्होंने उसको और उन राइट्स को उसमें ट्रिपल तलाक जैसे मसाइल में, जिसका इनका कोई मतलब ही नहीं है, ये जो मर्जी करें, मंदिरों में शादियां करें, आग के ऊपर शादी करें, तिलक लगाएं, कुछ करें, लेकिन इनको मौत पड़ती है अगर कोई हिजाब लेकर आ जाए, अगर अजान हो जाए, अगर ये कुछ हो, मंदिर की टलियां पूरा शहर सुने, इनको कुछ नहीं होता, ये भजन गाएं कुछ नहीं होता, अजान से इनके पेट में दर्द पड़ती है। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। बेशक है। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं। वाह, कितनी अच्छी बात। झुकने की बात क्यों कर? आप हमको हिंदुस्तान में किराएदार मत समझिए, हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। आप हमको ये मत समझिए कि तू वहां पर ठहर, हम यहां पर ठहरेंगे, ये मिजाज नहीं चलने वाला। इसके जो हिंदुस्तानी इसको समझे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से इसको घसीट कर पार्लियामेंट से निकाल दें, वापस इंडिया को उस तरह रिस्टोर करके वही इनक्रेडिबल, वही टॉलरेंट, वही सेक्युलर इंडिया जो है, वही उसको वापस, वही कश्मीर का जो है ऑटोनोमस स्टेटस उसको वापस, नहीं मुसलमान स्टेट है उसे मुसलमान अपना मजहब प्रैक्टिस करने दें, उसमें देखें कि किस तरीके से इसमें आपकी जो भाईचारा है, आप जिस तरह से उनको ईद मुबारक देते थे और वो आपको दिवाली पे देते थे, आप वो सारा फिर से कायम दायम हो सके और इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए आप दफन कर दें। इन अल्फाज के साथ कि जितने लोग हिंदुस्तान में इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो जानते हैं कि दूरदर्श में अगर अमन चाहिए तो भाईचारा चाहिए, तो दुनिया में इस एक किसी एक मजहब को या किसी एक रंग को अल्लाह ताला ने इस प्लेनेट पे जो आर्जी है जिंदगी, कोई 100 साल रह लेगा, इससे कम या ज्यादा थोड़ा सा रह लेगा, मरना तो है ही, जमीन के नीचे जाना ही है इनको। अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है? मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं, इस्लाम में निकाहनामा है, आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वॉयलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, मैं ये क्यों, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ है, बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे, हमारे घर में सब क्या होता है मालूम। और इंशाअल्लाह ताला इन अल्फाज के साथ के इस आदमी को अगर इस सभा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस से इसको जानवर की तरह की सीट से लोकसभा से नहीं निकाला जाता तो जल्द इस आदमी का खात्मा होगा। मैं आपसे इजाजत रहता हूँ। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर